क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑर्नामेंट वेइंग 36 ग्राम इन ईयर, मास जो है ईयर के अंदर तो उसका 36 है, मास इन वाटर जो है 34 है, यदि डायग्राम बनाए पानी के अंदर है, एम जी जो है नीचे करेगा, ये वाली जो फोर्स है वो कितनी है, 36 जी है, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो 34 ग्राम है, इसका मतलब एक बाइंड फोर्स भी ऊपर एक्ट कर रही है, बाइंड फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, बी जो है 36 ग्राम माइनस 36 जी माइनस 34 जी वो किसके बराबर, 2 जी के बराबर हो जाएगी, बाइंड फोर्स किसके बराबर होती है, वॉल्यूम इनसाइड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या वाटर इन 2g तो किसके बराबर, 2g के बराबर है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम इनसाइड इसका वॉल्यूम निकालना है, तो कॉपर का मास मान लेते हैं एक्स है, मास ऑफ कॉपर जो है वो है एक्स है, मास ऑफ कॉपर जो है उसको एक्स मान लेते हैं, अपॉन उसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में ले रहे हैं, सब कुछ ग्राम में ले रहे हैं, 8/9 प्लस मास, बाकी बचा मास किसका है, गोल्ड का है 36 माइनस मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी करते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा, ये कॉपर का वॉल्यूम है, ये गोल्ड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनसाइड आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर जो 1 होती है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, अब इसको सिंप्लीफाई करना, बस इसको इधर ले आए 19.3x, इसको इधर ले माइनस 8.9 एक्स प्लस 8.9 इंटू 36 और इधर आके क्या हो जाएगा 2 इंटू 8.9 इंटू 36 इसके बराबर हो जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10.4, ये वैल्यू आ जाएगी 10.4 एक्स, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 8.9 जो है दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे गलती आ गई, ये 19.3 था, 2 इंटू 19.3 माइनस 36, इस टर्म को इधर ले गए उसमें से 8.9 जो है कॉमन ले लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.9, ये 38.6 आएगा, उसमें से घटाएंगे तो 2.6 हो जाएगा, ये 10.4 है तो 26 होगा 104 और इसे करेंगे 4 × 8 बच गया 1 0, 4 इतने x की जो कॉपर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 2.2 ग्राम होगी, कॉपर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2.2 ग्राम होगी, ठीक है, बस सिंपल था, जो 36 में से 2 घटा दोगे 34 घटा दोगे तो वो कितनी है बाइंड फोर्स, तो जी से मल्टीप्लाई कर दो तो बाइंड फोर्स होगी, बाइंड फोर्स किसके बराबर होती है वॉल्यूम इनसाइड, तो इसका टोटल का वॉल्यूम निकालना, कॉपर की वजह से कितना वॉल्यूम है, तो कॉपर का मास एक्स अपॉन 8/9, बाकी गोल्ड का मास 36 माइनस एक्स होगा, टोटल 36 है उसमें से एक्स घटा देंगे तो गोल्ड का जाएगा अपॉन 19.3 डेंसिटी ऑफ गोल्ड इंटू 1 डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है सीजीएस सिस्टम में कर रहे हैं इजिकल टू 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यदि इसे क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि मिक्सिंग ना हो कॉपर ना मिलाया हो उसकी बजाय गोल्ड के अंदर छेद हो, गोल्ड के अंदर होल्स बने हो तो हमें उन केविटी का वॉल्यूम निकालना है, तो बाइंड फोर्स तो वही क्या होगी सेम होगी 2 ही होगी, पानी एयर में मेजर कर रहे हैं तो 36, वाटर में मेजर कर रहे हैं तो 34 इंटू जी वो किसके बराबर बाइंड फोर्स होगा, बाइंड फोर्स किसके बराबर होती है वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, इस जी से जी कैंसिल हो जाएगा यानी 2 वॉल्यूम इनसाइड, इसका जो वॉल्यूम इनसाइड है वो किसके बराबर, एक तो होल का वॉल्यूम, एक बॉडी का वॉल्यूम कैविटी का वॉल्यूम, तो मास का कॉपर का मास गोल्ड का मास 36 है अपॉन डेंसिटी
19.3 प्लस किसका, ये तो गोल्ड का वॉल्यूम हुआ, केवीटी का वॉल्यूम, वॉल्यूम इन साइड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वो किसके बराबर है, वन के बराबर है। वीसी निकालना हमें, तो किसके बराबर है, वीसी इज इक्वल टू 2 - 36 / 19.3 इसके बराबर होगा, और इसको कर देंगे तो 38.6 2.6 / 19.3 इसके बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है सब, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.112 कुछ आएगा, आप एग्जैक्ट आप कर लेना कितना रहा है। तो दोनों में वही सेम मेथड जो है वो सेम है, यहाँ पे कॉपर का मास टोटल मास इसमें उस गोल्ड का ही हो जाएगा, इसमें गोल्ड का अलग है उसका अलग है, दोनों के वॉल्यूम निकाले हैं, इसमें गोल्ड का वॉल्यूम अलग से निकाला और उसका तो कोई मास है ही नहीं, केवीटी का होल का कोई मास नहीं होगा पर उसका वॉल्यूम तो होगा। तो दोनों क्वेश्चन में आप डिफरेंस भी देख सकते हैं क्या है।